हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो जैसे आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो देख ली होगी, और जहां से मैंने वीडियो अपनी पहली वाली एंड की है, वहीं से मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। सो आज मैं यहाँ पे आई हूँ हरिद्वार, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया होगा मेरी पहली वाली वीडियो में। सो जस्ट अभी हम जो टाइम हो रहा है वो 9 बजने को आ गई है, और हमने अपनी जो मतलब जो यहाँ पे सब्जी वगैरह है दीदी ने बना दी है, और रोटी थोड़ी देर में बनाएंगे। सो पहले मैं आप लोग को यहाँ पर अपनी दीदी के बच्चों से मिला लेती हूँ, वो लोग भी आपसे मिलेंगे, तो एक बार आप लोग मिल लीजिए। सो मेरी दीदी के दो बच्चे हैं, दोनों लड़के हैं, तो मैं पहले वाले लड़के से आपको मिलाती हूँ। ये बड़ा वाला लड़का है, हाय गाइस, और छोटा है ये, और ये लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, नहीं खाएंगे तो अभी इनको पढ़ने देते हैं, हम जा रहे हैं बाहर। और आज हमारा खाना मतलब तैयारी हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी हमारी बन चुकी है। सब्जी में मटर पनीर है, जिसकी रेसिपी मुझे आपको देने की जरूरत नहीं है, और भाई आज रेसिपी मैं दूंगी भी नहीं। साथ में यहाँ पे पानी उबलने को रखा हुआ है, आटा भी लगा के रख दिया है, जो कि हम थोड़ी देर में बनाएंगे। और देवर और हस्बैंड दोनों अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन काम नहीं हुआ आज। सो अभी मैं जा रही थी यहाँ पे जहाँ पे मेरे दी लोग रहते हैं, वहां पे थोड़ा सा पीठ बाजार लगता है, पीठ बाजार बोलते हैं, जैसे हमारी साइड अगर हम लोग बोले तो मंडी 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 जैसे लगती है। वहां पे सब्जियां वगैरह अगर आप लोगों को लेने हैं, सूज वगैरह लेने का, मतलब काफी चीजें होती है जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करती हूँ, सीधा हम लोग जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं हम वहां पे। आप लोग सोचेंगे कि शाम के टाइम पे क्यों जा रहे हैं, तो अभी इस टाइम पे वहां पे सही प्राइस में चीजें मिल जाती हैं, तो इस वजह से हम अभी वहां पे जा रहे हैं, मैं और दी जा रहे हैं। तो चलो दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ से कितना दूर है, ज्यादा मतलब गाड़ी वगैरह में नहीं जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। तो चलो दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारे हस्बैंड जी काम कर रहे हैं, इन्होंने एक नींद अपनी पूरी भी कर ली है। तो चलो अभी मैं भी जाती हूँ, अपना सॉल रखती हूँ, और यहाँ पे दी के बच्चे भी हैं, जिनका इंट्रोडक्शन मैं धीरे धीरे आपको आगे वीडियोस में कराऊंगी। तब तक मैं चली गई, बाय। गेट बंद कर देना हनी के, आप लोगों ने चाय तो नहीं पीनी, अगर पीनी है तो बोलो। सो मैंने पहन लिया है सॉल, क्योंकि यहाँ पर ठंड है, उत्तराखंड में बारिश आ रही है गाँव में, बट मैंने सॉल पहन लिया है। और यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग का इशू है, यहाँ पे मतलब क्या बोल, गलियों में लाइट नहीं लगी है, जैसे हमारी साइड लाइट है, बट यहाँ पे थोड़ी सी इशू है लाइट का। तो चलो अंधेरे में आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो मैं सीधा जाती हूँ, थोड़ा सा ही दूर है, वहाँ पे जाके फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, सो ये है यहाँ की मंडी, देख सकते हो आप लोग, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे लाइट ही लाइट दिख रही होगी, तो कुछ इस तरीके से छोटी मोटी चीजों से स्टार्ट है यहाँ पे, जो चीज आपको चाहिए वो चीज मिल जाएगी। तो चलो थोड़ा चलते हैं, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अपने फोन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना चोरी वगैरह बहुत ज्यादा होती, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ही शूट करूंगी, क्योंकि अगर पूरा करने लगी तो मेरा फोन चोरी भी हो सकता है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, स्वेटर्स सूट वगैरह सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। थोड़ी सी यहाँ पे शर्म से आती है गाइस, क्योंकि लोग फेस देखते हैं, इस वजह से थोड़ा सा झिझकपन आ जाती है, क्योंकि मैं पब्लिक प्लेस में ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ इस वजह से, बट कोशिश करनी पड़ेगी, अगर हम ब्लॉगर हैं यूट्यूबर हैं तो हमें कोशिश करनी ही चाहिए। सो अभी हम मैन जाएंगे मंडी में, क्योंकि हमें मंडी से लेना है सब्जियां, और मेरे साथ है मेरी दी, जिनका भी इंट्रोडक्शन मैं धीरे धीरे आपको अपनी इस वीडियो में कराती, मतलब अपने आगे वीडियो में कराती रहूंगी। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसी मंडी लगती है। ओके,
यहाँ पे सब्जी का प्राइस तो सही मिलता है गाइस, बट थोड़ी सी मतलब सब्जियां यहाँ पे अच्छी नहीं लगती हैं, थोड़ी सी मतलब ऐसी लगती है जैसे बासी बासी हो। तो अभी दीदी ले रही है सब्जी, यहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाती हैं। गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और ये देखिए सब्जी लेके हम आ चुके हैं, मंडी से सब्जी लेके आ चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे। तो चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर वाले। गाइस मैं आ गई हूँ घर और ले ली हमने सब्जियाँ और अब हम थोड़ी देर बनाएंगे खाना पीना। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, ऊपर से वहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ भड़ाका था कि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा मतलब अनकम्फर्टेबल लगा, फिर भी मैंने थोड़ी सी वीडियो आप लोग के लिए बनाई दी थी। तो चलो थोड़ी देर में करते हैं हम डिनर, भैया आ जाएँ फिर हम डिनर करते हैं, उसके बाद में आपको मिलता हूँ। हे गाइस वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा था मैंने कल अपनी वीडियो बनाई थी, कल ही मैं यहाँ पे आई थी और कल मतलब आने के बाद मैंने आपको दिखाया था यहाँ का पीठ बाजार, तो हम वहां पे गए थे। उसके बाद में वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि हम कल आए थे तो मुझे थोड़ा हेडेक की हो गई थी, हेडेक हो गया था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब बनाया नहीं, फिर मन ही नहीं हुआ मेरा। सो आज है 6 फरवरी और अभी आज मतलब जो है सैटरडे आज, तो आज सभी की छुट्टी है। मैं हूं अपने भाई के घर में, तो घर को क्या दिखाना आपको, बस देख सकते हो आप लोग थोड़ा मैसी पड़ा हुआ है क्योंकि मेहमान जब किसी के घर में आते थोड़ा बहुत हो ही जाता है। और आप सोचेंगे क्या मैंने सिर पे लगा रखा, ये कंघा मैंने मतलब बाल सही करने के लगा रखे हैं। तो जस्ट अभी मैंने अपना क्या बोलते हैं, तो जस्ट अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं देहरादून। हमने थोड़ा सा टूर करने का सोचा, मतलब थोड़ा घूमे फिरे, तो देहरादून हम जाएंगे, जो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में दिखने को मिल जाएगा देहरादून, मतलब हरिद्वार से मेरा देहरादून का सफर जो आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में दिख जाएगा। सो थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ हम क्या बना रहे हैं। तो अभी मैं हो गई हूँ एंटर, तो ये है मेरे भैया की किचन, मतलब भैया रहते हैं हमारे यहाँ पे, भैया के साथ में दीदी यहाँ पे रहती है, तो ये उनकी किचन है। तो अभी हम बना रहे हैं, मैं आपको दिखा। सो आज हम बना रहे हैं पराठे, तो दी अभी कहीं गई हुई है, तो पराठे मैंने ब्रेकफास्ट तो कर लिया बट थोड़ा मैंने कहा पराठे यहाँ पे मैं सेक लेती हूँ। और थोड़ा मेरे से क्या हुआ, मैं फोन पे लगी थी और ये पराठा जल गया है। गाइस होता ही है भाई, क्या करें, कभी कभी जल जाता है, ऐसा नहीं है कि मैं जला देती हूँ रोटियां बट थोड़ा सा जल जाता है। एनीवे खुद हम ही लोगों ने खाना है, कोई दिक्कत ना। थोड़ा सा पराठे बना रही हूँ जैसे मैंने आपको बताई दी, दीदी मेरी थोड़ी सी गई हुई है कहीं पे तो मुझे बनाना पड़ रहा है, बच्चों ने भी खाना नहीं खाया है। आप लोग सोचेंगे हमने पहले खा लिया और बच्चों ने खाया नहीं, बट क्या करें, हमें जाना था इस वजह से हमने खा लिया, वैसे हम बच्चों को पहले खिलाते हैं। सो गाइस बस मैं आज की अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मुझे ये वीडियो ज्यादा लेंथ ही नहीं बनानी थी, ये छोटी सी ही मैंने वीडियो बनाई है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। बस मैं चाहती थी कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि जब हम आए तो किस तरीके से मतलब यहाँ पे जो भी मतलब हम रहे किस तरीके से रहे। तो आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग को मेरी मिलने वाली है वो हरिद्वार से देहरादून की मिलने वाली है, यहाँ से जो मैं देहरादून जा रही हूँ वो जर्नी वाली मिलने वाली है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।